आज उठने में तो बहुत ज़्यादा देर हो गई। एक बार उठा 10 बजे, फिर उठ के खाना पीना खा के फिर सो गया, अभी उठा हूँ फिर से 3 बजे। आज नींद ही कंप्लीट नहीं हो रही है और ये इसके वजह से उठना पड़ा। ये उठ के महाशाया मेरे साथ इसको खेलना है। इसको अभी देखो मेरे ही बेड पे और क्या कर रही है, ये देखो ऐसे करके हाथ खा रही है। इसीलिए इसको खेलना है, इसलिए मेरे को उठना पड़ा। और इसको नहलाना भी है आज फिर से, तो नहला देता हूँ और मैं भी उठ ही जाता हूँ परमानेंटली, नहीं तो नींद पीछे नहीं छोड़ रही है मेरा। आउच, हाय बेला, हाय हाय। बेला को नहला दिया, अब बेला का नहलाने के बाद अपन भी नहलाएगा, मतलब नहलाएगा क्या। और अभी टाइम हो रहा है 5:30, और जल्दी नहा लेते क्योंकि आज दिन भर इतना सोया ना मैं। 10 बजे उठ गया था, भैया आए थे, भैया के साथ बेला खेल रही थी, और फिर जब उठा मैं, उठने के बाद थोड़ी देर खाना वाना खाया, फिर अचानक इतना नींद आया फिर सो गया। और उसके बाद उठा, उठ के थोड़ा बहुत वो चल रही है पीछे लैपटॉप, वो थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, और फिर मम्मी बोलने लगी कि बेला को नहला दे क्योंकि 2-3 दिन हो गए उसको नहलाया नहीं। फिर उसको नहला दिया, अभी मम्मी के साथ ऊपर छत पे खेल रही है और मैं भी नहा लेता हूँ, फिर दोबारा बैठते हैं चाय वाय पी के। एक्चुअली सुबह क्या हुआ था, सुबह भैया आए थे, उस चक्कर में मम्मी डायरेक्ट खाना दे दी। खाना देने की वजह से मतलब मुझे सुबह के चाय नहीं मिलता, नहीं तो फिर दिन स्टार्ट नहीं होता है। हैप्पी गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग नहीं होता मेरे लिए, तो मतलब एक चाय की आदत सी बन गई है सुबह सुबह। सो इसीलिए फिर से नींद आ गई, और कुछ दिन से हो भी रहा है ऐसे, पता नहीं क्यों। मतलब मैं अकेले के साथ नहीं, मेरे दोस्त भी कह रहे कि उनको भी सुबह उठने के बाद फिर से नींद आती है। मे बी क्लासेस के प्रेशर कम हो गए हैं, बस एग्ज़ाम चल रहे हैं, सो रात को सब लेट सोते हैं, सुबह उठते ही फिर वही हाल हो जाता है सबका। तो आज तो संडे है, वैसे ही अच्छी से कट रहा है अभी तक, तो सोने में ज़्यादा टाइम दिया और सोने के अलावा तो कुछ किया ही नहीं। मुझे यहाँ देख के बात करना चाहिए, और मैं यहाँ देख के बात कर रहा था, मतलब कैमरे में छोड़ कर इसमें देख के बात कर रहा था, तो इसलिए अच्छा नहीं आ रहा था, अब समझ गया मैं। चलो नहा लेता हूँ फिर मिलते हैं। बाय द वे ये बहुत पुराना टी शर्ट, ये कल मेरे को मिला, माराडोना लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं ये अभी है नहीं ये इस दुनिया में, मगर इनका टी शर्ट मेरे साथ है। मैं शायद 3-4 साल पहले ख़रीदा था, 3 या 4 बार ही पहना था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फुटबॉल फ्रीक था, एकदम खेलने के लिए या फिर फ्रेंचाइजी ऐसे सपोर्ट करने के लिए। ऑल दो अर्जेंटीना को सपोर्ट नहीं करता हूँ, फिर भी एक टाइम था जब अर्जेंटीना को सपोर्ट करता था। अब तो रोनाल्डो आ गया है, रोनाल्डो आने के बाद से मतलब ये अलग लेजेंड है। ये अर्जेंटीना में जब थे तब तो मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तब मैंने देखा था इसका मैच, और रोनाल्डो आने के बाद से तो सब कुछ चेंज ही कर दिया लाइफ ही। हाँ, रोनाल्डो वर्सेस मेसी बहुत मैच होता है, मगर हमेशा सपोर्ट रोनाल्डो ही रहता है। मगर ये नहीं कहूँगा कि मेसी अच्छा प्लेयर नहीं है, मेसी भी बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर आप विराट कोहली के साथ धोनी के कंपेयर करें, जैसे कोई दोनों में कोई कंपेयर ही नहीं होता है, वैसे मेसी और मतलब रोनाल्डो में कोई कंपेयर नहीं होता है। अगर कभी कोई फैंटेसी टीम बना मेसी और रोनाल्डो एक ही टीम में, तो ना जाने कितने भक्त, कितने ऑडियंस उस स्टेडियम के बाहर से लेके अंदर भर चुके होंगे, खचा खच फुल होंगे फुल। मिलता हूँ नहाने के बाद, नहाना है कंप्लीट,
अभी जब मैं नहाने गया था तो सैनिटाइज करने आए थे म्यूनिसिपैलिटी के लोग, और इतना ज़्यादा सैनिटाइज करके गए ना, क्योंकि पापा पता है ये प्रोफेशन में, इसलिए इतना ज़्यादा करके गए, हमारे घर के अंदर तक पूरा सैनिटाइज कर दिया, मतलब बाहर से स्प्रे किया और इतना तेज़ स्प्रे किया कि घर के बिल्कुल गेट के अंदर तक आ गया। और फिर वो उसको जाके बेला ने चाट दिया, अभी पता नहीं बेला को कुछ होगा या नहीं होगा, वो तो आगे की देखी जाएगी, मगर फिर मम्मी ने बेला को डांटा और बेला के सो गई। देख सकते हो बेला मम्मी के डांट सुनते आ गई, इधर सो गई कि इसने सैनिटाइजर को चाट लिया। देखो देखो देखो, नीचे रखो नीचे रखो, बच्चा आ गया बच्चा है ना। हाय किट्टी, किट्टी है ना किट्टी, हाय किट्टी। लैंसी, लेक्सी, हाय रे, हाय लेक्सी, हाय हाय। आज अपन हम बनाएंगे मैंगो शेक, क्योंकि कल मैंगो खाया था और आज मैंगो शेक की क्रेविंग हुई है, तो बनता है। और बाय द वे धीरे 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 ये बढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ही बड़ा है, अभी देखते हैं कितना बड़ा होता है, क्योंकि अभी बंद है सब कुछ, लॉकडाउन है, तो ये तो बढ़ाना बनता है। मैंगो शेक बनाने के लिए पहले चाहिए होगा सबसे बड़े इंग्रेडिएंट, वो है मैंगो। ये 1 2 3, ये हमारे पास आ चुके हैं मैंगो। और मैंगो आने के बाद मैंगो में क्या क्या डलता है, दूध और चीनी की जगह हम यूज़ करेंगे इसको हनी और आइस क्यूब और थोड़ा सा ऊपर से काजू। आम आ गया, अब थोड़ा चुटकी बजाते हैं। ये देखो चुटकी बजाया, ये भी आ गया सब कुछ। अब ये सब मिक्स करते ले चलते सीधा ग्राइंडर के पास। ये आ गया अपना ग्राइंडर, और अब इस ये लो। पी के बताओ कैसे हुआ, क्या कम है क्या ज्यादा है, बहुत सालों बाद बनाया, बहुत बढ़िया। क्या कमी है क्या ज्यादा है, ठीक। मीठा इसमें चीनी नहीं डाला, मैंगो मीठा है ना, हनी डाला है, हनी।
पापा ठीक है, अब अपुन रिव्यू देगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा यूट्यूब देख रहा था। यूट्यूब पे गौरव जी का आया, अब्स एंड टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी। सो रितु भाभी प्रेग्नेंट है, उसी के ऊपर बता रहे। थैंक यू सो मच गाइज, आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके जाना, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतना तक देख ही लेते हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, और कमेंट में बताया करो कि आज का कैसा लगा। Thank you.